खजाना खाली, फिर किसानों का ऋण किया माफ। वर्तमान सरकार के पदभार संभालने के एक सप्ताह में ही खबरें आ गई है कि राज्य का खजाना खाली है। वैसे में हेमंत सरकार जनता के किए वायदे कैसे पूरा कर सकती है, लेकिन खजाना खाली होने के बाद भी हेमंत सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया। उक्त बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किसान संगोष्ठी सह उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल चुनौती भरा वर्ष होने के बावजूद सरकार ने 2000 करोड़ रुपये किसानों के ऋण को माफ किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि राज्य गठन के 20 वर्ष तक किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। पूर्व की सरकार ने कृषि बीमा के लिए कंपनी को 493 करोड़ रुपये दिए, लेकिन किसानों को मात्र 79 करोड़ ही बीमा राशि मिली। जांच में पता चला कि इंजीनियर व मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे संपन्न परिवार के बेटे को कृषि बीमा राशि का भुगतान हुआ है। उत्तराखंड में खदान धंसने से 2 लोगों की मौत, 2 को बचाया, 4 अभी भी लापता। झारखंड में कोडरमा के फुलवरिया इलाके में बृहस्पतिवार को एक खदान धंसने से वहां अब्रक के टुकड़े चुन रहे 8 लोग दब गए, जिसमें से 2 को बचाया गया, लेकिन जबकि 2 के शव शुक्रवार को बरामद किए गए। 4 लोग अभी भी लापता हैं, पुलिस ने यह जानकारी दी। कुंवरदास के हमले पर जेएमएम का पलटवार, चार्टर्ड प्लेन से पैसे जाते हैं कैसे पता, क्या कभी खुद ले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास के वार पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के दिल्ली दौरे से सबसे ज़्यादा तकलीफ रघुवर दास को हुई है। मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास ने पूरे 5 साल तक जमशेदपुर जाने के लिए कभी सड़क मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हेलीकॉप्टर से आते जाते थे। अपने घर जाने के लिए पूर्व सीएम ने सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया। बीजेपी उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के पैसे की जरूरत पूरी करने हेमंत दिल्ली गए थे। इस पर पलटवार करते हुए जेएमएम नेता ने कहा कि चार्टर्ड प्लेन से पैसे जाते हैं, ये रघुवर दास को कैसे पता है, क्या वो कभी खुद ले गए हैं। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस झारखंड में हमारी सहयोगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की कुछ बात और है। दिल्ली में सीएम ने सोनिया और राहुल गांधी से शिष्टाचार मुलाकात की। बेखौफ कोयला चोरों का सुरक्षा कर्मियों पर पथरा। जिले के निरसा के ECL में मुगाम कापासारा आउटसोर्सिंग खदान में हजारों की संख्या में कोयला उठा रहे चोरों की करतूत सामने आई है। चोरी से रोके जाने पर उन्होंने कंपनी के निजी सुरक्षा गार्ड्स पर ही हमला बोल दिया। मामला बिगड़ता देख सुरक्षा गार्ड्स ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद सुरक्षा गार्ड्स की राहत की सांस ली। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कथित कोयला चोरों को मौके से खदेड़ दिया। झारखंड प्राथमिकी शिक्षक संघ चुनाव मतदान आज। झारखंड प्राथमिकी शिक्षक संघ के जमशेदपुर एक अंचल का शनिवार को चुनाव होगा। सकाची राजस्थान विद्या मंदिर उच्च विद्यालय में शनिवार दोपहर 12 बजे संगठनात्मक चुनाव सह सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें जमशेदपुर एक अंचल के शिक्षक संघ हिस्सा लेंगे। संघ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा, शनिवार को अध्यक्ष समेत कुल 16 पदों के लिए चुनाव होगा। जमशेदपुर के एक कुल 322 शिक्षकों में करीब 260 शिक्षक मतदान करेंगे। विवाह के खिलाफ नाबालिग ने अपने माता पिता की
की बगावत, घर छोड़ आसार में रहेगी। गुमला की एक बेटी ने बाल विवाह के खिलाफ अपने माता पिता से बगावत कर दी है। चाइल्ड लाइफ के सहयोग से वह शुक्रवार को बाल कल्याण समिति पहुंची। किशोरी को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया। अब वह माता पिता के साथ नहीं बल्कि गुमला ज्ञान आश्रय में रहेगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 9वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा की उसके माता पिता शादी तय कर दी थी। शादी के लिए 7 फरवरी को 6 का रस्म की तिथि भी तय थी। किशोरी ने बताया कि वह पढ़ाई करना चाहती है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन माता पिता पर कोई असर नहीं हुआ। वह कम उम्र का हवाला देकर शादी के लिए इनकार करती रही। अपने माता पिता को समझाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार ने 6 का रस्म की तिथि तय कर दी। तब उसने चाइल्ड लाइन का सहारा लिया। सरकार से बेहतर संबंध सुधारने की कावियात में जुटे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयास तेज किए हैं। इस सिलसिले में वह 4 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड की सत्ता में अहम सहयोगी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने सहयोगी दल संग बेहतर संवाद कायम करने की कोशिश की है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ महीनों से झारखंड में कांग्रेस के विधायकों से अलग अलग शुरू से गलत संदेश जा रहा था। हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएनसी के साथ भी बातचीत की थी। आरपीएनसी ने विधायकों के साथ साथ सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की तरफ से सरकार को हर मोर्चे पर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।